ये मूर्ति तिलू रोतेली की है और इन्हें उत्तराखंड की लक्ष्मी बाई कहा जाता है और इनका गांव पड़ता है गुराड़ और इनको 22 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त हो गई थी। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ की क्या मान्यता है? हाँ जी, कितना टाइम हुआ ये मंदिर को? दस बारह साल हो। और ये जो तुम किलो रोतेली बा नंबर है दिए किलो रोतेली बा ना किलो रोतेली तो या बुराड इन हिंदी में बोले हिंदी में बोले बुराड गांव है। मां की रानी थी, रानी थी लोग जुड़े बंडे नहीं आलू सब अच्छा। हां जी बीरबाला का मतलब होता शादी नहीं हो रही। ये है रिंग कैसे? ये मैं 10 के अब मुझे पता नहीं। एक एक डालते हैं, मम्मी डालो। इरादा और डालो, मैं ही डालती हूँ। रुको मैं एक एक में डालूंगा, पकड़ो। ले बोली तुर डाली थी इरादा कर आप रखिए। अब यहाँ पे आजमाते हैं, 10 के इधर लिए, 10 के यहाँ से ले रहे हैं, 10 के यहाँ से देखती हूँ। पलट गया, अब मैं करूँ। यहाँ पे 10 रुपए कटोरी छोला है तो हम छोले ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे छोले खा रहे हैं, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत टेस्टी बन रखे, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे बन रखे, अच्छे बन रखे। लेकिन हाँ, चार लड़कियों को इसी से पढ़ाया लिखाया, एक लड़की मेरी चाइना में आयुर्वेदिक पढ़ाती है। ये है चौमिन, मैं भी चौमिन, मैं चौमिन खा रही हूँ, मम्मी छोले खा रही है। ये 100 की 10 रुपए की, ये है 15 रुपए की, हमने 3 आइसक्रीम ली है। 5 है, हाँ हाँ 15 की 3, 5 की है और रेड वाली मेरी है, ये मम्मी ने ऑरेंज ली है। 5-5 रुपए की, देखिए बर्फ वाली है। 5 बहुत टेस्टी हो रही है, बहुत धूप लग रही है। 5-5 रुपए की, पहले कितने की आती थी? 5 रुपए का जमाना गया। पहले कितने की आती थी? पहले 2 रुपए की, 1 रुपए की। पहले ये आइसक्रीम 2 रुपए की आती थी, 5 की है। बहुत मजा आ रहा है मार्केट में। क्या क्या जूस क्यों? बता दो एक बार, करो आमला खट्टा मीठा होता है और ये माल्टा है, ये बुरांस है, ये नींबू है, ये आमला है, ये 90 रुपए का है, ये 90 है, छोटी बोतल 90 की और बड़ी बोतल 180 की। Oh.
और हमें प्यास लगी थी, यहाँ पे पानी पीने आ गए। बहुत तेज धूप लगी, बहुत तेज। अब हिना अब तक कौच ही रहे और जिन खुद तो धनत जगह नहीं रहे जाए श्याम। अभी भीड़ बढ़ा का कुछ नहीं है, अभी शाम को आएंगे क्योंकि अभी बहुत तेज धूप है, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। हम ज्यादा जल्दी आ गए, अब आएंगे लोग शाम के टाइम, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक भाई टैटू बना रहे थे और उन टैटू बनाने का पता नहीं क्या शौक होता है सबको, लड़कों को ज़्यादा शौक होता है। और जब टैटू बना रहे थे उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है, कभी वो हाथ इधर कर रहे हैं, कभी पैर ऐसे कर रहे हैं। इतनी तेज धूप है ना, अभी टाइम हो रहा होगा मेरे हिसाब से 1:30 या 2 बज गए है ना। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। गर्मियों के टाइम में तो इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये फिरेम ठंडा, ये 10-10 का है रसना। ये लीची है, ये ऑरेंज है, 10-10 रुपए किलो लीची की फिदा। कितनी बार हमने जूस पी लिया, बहुत गर्मी लग रही, सर में दर्द हो रहा है। ये है लीची, लीची का फ्लेवर, 10 रुपए गिलास है ये। तो यहाँ पे जलेबी 120 रुपए किलो दे रहे हैं, तज्जी तज्जी उसी टाइम बना रहे हैं, इतना अच्छा कलर आ रहा था। टेस्टी, दिल्ली में नहीं आता इतना स्वाद जितना स्वाद यहाँ उत्तराखंड की जलेबियों में है। बहुत टेस्टी, सच में मुंह में ना पानी आ रहा था मेरा, कब से देख रही मैं। हाँ, उत्तराखंड की सबसे पुरानी मिठाई है जलेबी, कहीं भी जाते कहीं भी जाओ तो जलेबी लेके जरूर जाना घर में। हमने सबने ले ली 2.5 किलो जलेबी ले ली हमने, और 1 किलो 120 रुपए किलो। तो आप जा रहे हैं आगे। से घर जा रहे हैं क्योंकि लोग तो अब आते हैं, और अभी हमें बहुत ज़्यादा धूप लगी तो हमने काफ़ी दूर जाना है, तो हम तो जा रहे हैं घर और लोग आते हैं अब शाम के टाइम। चलो मोमोज खाते हैं। माँ चलिए चाउमीन और मोमोज, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ क्योंकि जाते जाते ना टाइम हो जाएगा। मीठी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए मेले से कौथिक से वापस, अब जा रहे हैं। हालांकि तो कम से कम टाइम हो रहा, 3:30 बज भी हो गया, और हम बैठ गए टाट ऑफ फूल, अब जाएंगे सीधा चौबट्टा खाल। हम पहुंच चुके हैं चौबट्टा खाल में, और अभी बैठ रखे होटल के अंदर। सर दर्द हो रहा, बहुत तेज धूप लगी है इसलिए अंदर बैठ रखे। तो हमने हम चौबट्टा खाल से गांव अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो हमें गाड़ी नहीं मिली और हमने बुक कर दी थी 250 की, 250 या 300 की बुक होती क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। तो उसी टाइम हम गाड़ी में बैठे थे, तब तक आ गया मेरा भाई, और मेरे भाई की गाड़ी है, तो हमने कहा बढ़िया हो गया हमारा, हमारी 250 बच गई। मामा तो हमारी 250 बच गई और फटाफट हम बैठ गए यहाँ अपने भाई की गाड़ी में।
तो हमारा किरा हमारे ना 250 रुपए बच गई। तो इस खुशी में हम केले खा रहे हैं। एक मेरे को भी दे दो। और भूख लग गई बहुत। देखो अब जा रहे हैं लोग का और थी का कितने सारे लोग हैं पूरी सामने से पलटन बजा रहा है। सारे कॉफी वाले कान फैले चले हम घर पे भी तो आ गए। हम पहुंच गए घर पे अब खाएंगे जलेबी। गर्मी वाला भी पता सबके साथ लाल और सुंदर सुंदर जलेबा के उसी टाइम बना लेते। मम्मी सब्जियां भी लाई हैं। क्या था लाए दिखाओ। कद्दू लेमन का यूं तो फिर जम डाल। तो पहुंच गए हम घर पे और लोग अब जा रहे हैं कॉथिक और हम पहुंच गए घर पे। तो हम तो जल्दी इसलिए गए कि हमारी अच्छी सी वीडियो बन जाए। और अब रहता बहुत ज्यादा भीड़ रहती है फिर वीडियो अच्छी से नहीं बनते ना तो इसलिए गए। चलो और हम खाएंगे अब जलेबी। वो ये ग्रेनी ने पकड़े दिए ये जलेबी आ रही है।